नीले कलर की आ गई है शिकारा। Hello everyone, a very good afternoon from Srinagar and welcome back to my channel Gear Shifters India and I hope you all are doing good. So आज हम लोग जा रहे हैं दोबारा कार में, देखिए अपने प्रतीक भाई, अंकुश भाई, सनी एंड अपने लकी पाजी। So हम लोग निकल रहे हैं आज थोड़ा श्रीनगर एक्सप्लोर करने के लिए। So पहले प्लान है हमारा जाने के लिए दल लेक, बिकॉज यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे, लेकिन जो सामने हमारे लोकेशन है हम लोग वहाँ गए नहीं। So यहाँ से पास में ये 2 से 3 किलोमीटर पे, तो चलते हैं। और पिछला व्लॉग नहीं देखा है, हम लोग ट्रेन में गए थे, कहाँ गए थे अपन? बनिहाल, मैं नाम ही भूल गया था। तो हम लोग बनिहाल गए थे श्रीनगर से ट्रेन में, 2 से 2.5 घंटे का सफर था जाने का और आने का। हम लोग 1 घंटा वहाँ रुके, ऐसा लगा हम लोग खाना खाने गए थे जस्ट वहाँ पे। भूल जाता है, आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। जब हम जम्मू से आ रहे थे श्रीनगर किले, तब भाई ने हेलमेट पहन लिया है और फिर हेलमेट ढूंढ रहे, बोलते मेरा हेलमेट कहाँ गया। तो ऐसे किस्से है भाई के, बहुत कुछ ऐसे मैं बताऊंगा आपको। हेडफोन लगा के मैं पूछ रहा हूं हेडफोन किधर है, ये लगाया था कैप तो पता नहीं चला मुझे। अरे जी पिछला व्लॉग आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, मिलते हैं आपको अभी। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। और अभी धूप निकली हुई है, सुबह तो एकदम बढ़िया स्नोफॉल हो रहा था, हमने एक्सपेक्ट किया नहीं था स्नोफॉल होने वाला है। 2 से 3 घंटे कंटिन्यू था, फिर बंद हो गया, अभी तो धूप निकल गई है। सो थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट्स मैंने डाला है स्टोरीज में, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लीजिए गियर शिफ्टर्स इंडिया, आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेंगी। लो जी, तो आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का, ये देखिए जी पूरा पानी है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बोट्स, शिकारा राइड करने का हमारा चल रहा है प्लान। ये है सामने जो है ना, ये हाउस बोट है, अगर आपको रहना तो आप रह सकते हो। 1000, 1500, 2000 पता नहीं अभी क्या रेट्स है वहाँ पर। प्रतीक भाई ने तो ऑलरेडी ये सब किया हुआ है, कितने सारे हाउस बोट्स है देखिए। इसको बोलते हैं डल लेक, डल झील भी बोलते हैं, डल लेक भी बोलते हैं। काफ़ी अमेजिंग जगह लग रही है मुझे। हमारे पास से होटल से 10 मिनट का रास्ता है बस, फिर भी हम लोग यहाँ आए नहीं। तो आज हम लोग यहाँ पे, हमारा प्लान है कि हम शायद यहाँ से मतलब निकल जाएंगे, तो उससे पहले पहले भाई जो पास में है वो कर लेते एक्सप्लोर। ये देखिए यहाँ पर भी है, देखिए शिकारा राइड करने का प्लान चल रहा है, वो करेंगे अभी, देखते हैं। जी अपनी आ गई है बोट, ये देखिए पीले कलर की आ गई है शिकारा। सो ये देखिए रिजवान पैलेस, यहाँ पे देख लीजिए। सो बात हुई है हमारी 500 रुपीज में 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट दिखाने इन्होंने, हाँ भैया कितने पॉइंट दिखाने वाले हो आप? 8 पॉइंट दिखाओगे 500 में? यस, चलो बढ़िया है। चलो जी प्रतीक भाई अपने बैठ गए हैं, यस यस चलिए। और मैं भाई चलो तुसी लीड करो, ओए टेढ़ी हो गई। ये लो जी अपने प्रतीक भाई, आओ क्या इधर। तो यहाँ बैठे हैं भाई, बढ़िया बढ़िया मस्त नज़ारे ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा के साथ। यहाँ ठंडा ठंडा पानी, मैंने थोड़ा सा हाथ पानी में डाला था, वो अभी तो बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है। ओ पाजी हमारे वहाँ जाके लेट गए, वो देखो शॉट्स ले रहे गोप्रो से बढ़िया वाले। तो चलिए जी, काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप भी एंजॉय करिए। पहुंच गए हैं गुलफाम लेक, और ये रहा देखिए गुलफाम बोट हाउस भी यहाँ पे, इस नाम से यहाँ पे रखा है गुलफाम लेक। यहाँ पे शायद शूटिंग भी हुई थी। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल भी आपको कुछ चाहिए, किचन्स चाहिए या खाने पीने के लिए कुछ भी चाहिए, वो सारा कुछ बोट्स में यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। आपको कश्मीरी कावा पीना है या कुछ खाना है, सब कुछ मिलेगा आपको। One, this is foldable, it's easy to carry on. Then आप घर में उसको मेहमान के समय सर्व कर सकते हो. नमकीन नमकीन आप रखते हो, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हो. ओके. और यहाँ से ले रहे हो तो फॉर एज अ सोविनियर रहता है, यादगारी रहती है. सही बात है. मैं सोच रहा हूँ ये ले लूँ क्योंकि मेरे पास सेम ही है सब. चलिए जी, ये अपना आगे सेकंड पॉइंट. अभी उतरते हैं भाई, ये बोर्ड काफ़ी हिलती है, सो चलते हैं बाहर. ये देखिए, सो ये हमारा है यहाँ पर सेकंड पॉइंट. सो सेकंड पॉइंट है हमारा ये नैरो गार्डन. ये देखिए भाई, पूरा गार्डन है. ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे. क्या लिखा है ये? कैफेटेरिया. ओके, जैसे ऑफिसेस में होता है. ये पूरा गार्डन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बोट्स भी है. ये देखिए, इनमें तो हम नहीं बैठेंगे, हम शिकारा राइड कर रहे हैं. वाह बढ़िया भाई. ये देखिए पूरा व्यू, वहाँ से आए हम सीधा सीधा यहाँ पे. ये रही अपनी बोट, प्रतीक भाई बैठे हैं. सो एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे. यहाँ पे आए हैं, बट यहाँ पे देखिए पूरा कीचड़ है. थोड़ा ध्यान से कि पैर स्लिप ना हो जाए. यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं भाई, मुझे पता नहीं, बट दिखा देते हैं. ये देखिए. ओके, यहाँ पे फ़ोटोशूट करना है तो उसके लिए ये कपड़े होंगे मेरे हिसाब से. सो ये इस तरह से है गार्डन यहाँ पर पूरा. बढ़िया है, अच्छा है. और मौसम जैसे मैंने बताया, सच में ठंड ज़्यादा है. अभी धूप तो आई है थोड़ा ठीक, बट ठंड ज़्यादा है. रात को तो यहाँ पे भाई, आज वैसे भी होटल में थे तो -1 टेम्परेचर बता रहा था सुबह, तो मुझे लगता है कि उतना ही होगा क्योंकि ठंड काफ़ी है. यहाँ पे तो और ज़्यादा माइनस में जाता होगा. देखिए पूरा पीछे पानी है, सारे बोट्स ही बोट्स. बोट हाउस आपको सारे शिकारा राइड सारे वही देखने के लिए मिलने वाले हैं. और पीछे शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे पहाड़ है, नीचे बादल है और ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं जो जिसपे स्नो है. क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया. मैं आपको एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ, शायद ना दिख रहा हो. ये देखिए भाई, वाह. ये देखिए कैसे बादलों में पहाड़ दिख रहे हैं पूरे, यहाँ से लेके पूरा. देखिए क्या नज़ारा है ना, एक नंबर. मस्त है यार, बढ़िया, एक नंबर. सेकेंड पॉइंट अपना हो गया, एक्सप्लोर कर लिया है नेहरू पार्क. सो अभी चलते हैं शिकारा राइड पे. थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है आगे. ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग मार्केट. सो ये देखिए कपड़ों की शॉप्स है, सैलून है, सारा कुछ है. ये देखिए फ्लोटिंग मार्केट, अगर आपने देखा हो तो देख सकते हो. यहाँ पे 150 से शॉल स्टार्टिंग है, 150 से शॉल स्टार्ट है. ओके जी, ये वाडीलाल आ गया, आइसक्रीम का शॉप है यहाँ पे. सो सारे शॉप से ये देख रही है, हंगरी शार्क, खाने पीने से लेके कपड़े लेके एवरीथिंग, हेयर कटिंग, सब कुछ, सारा पूरा मार्केट है. इसको कहते हैं फ्लोटिंग मार्केट. वाह भाई क्या बात है, पहली बार मैं ऐसा कुछ नया देख रहा हूँ यहाँ पर भाई. अमेजिंग है यार. ये जो फ्लोटिंग मार्केट है ये हमारा फोर्थ पॉइंट है. थर्ड पॉइंट जो भैया ने हमको दिखाया था वो था मिशन कश्मीर मूवी का एक सीन था, वो दिखाया था, बस वो फटाफट निकल गया तो फिर मैंने वो शूट नहीं किया. ऐसा अमेजिंग और फ्लोटिंग मार्केट लाइफ में कभी नहीं देखा, और आप मुझे लगता भी नहीं कि कहाँ ही किसी मतलब किसी और जगह पे आपको ये ऐसा देखने मिलने वाला है भाई. बहुत सही जगह है, एक नंबर है यार. ये है फिफ्थ पॉइंट, ये है वेजिटेबल लैंड्स. यहाँ पे खेती होती है. ये देखिए भाई, ये रहा भाई, ये रहा खेती. तो ये देखिए जी, हैवी ड्राई फ्रूट शॉप एंड फ्लोट. देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग वाली आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप भी मिल जाएगी जिसका नाम है हेवन ड्राई फ्रूट्स. ये देखिए जी, नीचे से देखिए पूरा फ्लोटिंग है सारा कुछ है? तो चलते हैं अंदर. यहाँ पे ये शॉप है, एक बार भैया बोले अंदर एक बार घूम आओ. 150 रुपए से जो है ना यहाँ पे शॉल स्टार्ट होते हैं. ये लीजिए, हाँ जी. कहाँ पे भाई, मुझे दिख नहीं रहे. अच्छा इधर बैठे हैं. चश्मा पहन के ना मुझे अंधेरा लग रहा था, पर यहाँ पे लाइट काफी है. अंदर ठंडा ठंडा भी लग रहा है. यहाँ आ गए भाई अंदर हम लोग. बढ़िया, आ जाओ आसी बैठ के. आइए इधर आओ जी, बैठो। 150 से यहाँ पे शॉल स्टार्ट है, जैकेट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग है। तो जस्ट हम देखने के लिए अंदर आए हैं। तो गाइज अभी हम फ्लोटिंग मार्केट पे है। यहाँ पे भैया आपका नाम बताइए। मुजफ्फर अहमद लोन। तो ये शॉप का नाम है सैफ्रॉन ट्रेजर। ओके जी, तो ये भैया बताएंगे कि जो शिलाजीत है वो जेंट्स को और लेडीज़ को कितना लेना चाहिए पूरी लाइफ में, एंड उसका मतलब पूरा फायदा बताएंगे, एंड ओरिजिनल डुप्लीकेट क्या है उस बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर जाओगे आपके बारे में सही बात। तो भाईजान इसका कोई साइड इफेक्ट? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आप प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हो। अच्छा हाँ, मगर एक लेडीज को आधा गिलास पानी, वो वार्म हॉट नॉट होना चाहिए, उसके अंदर डाल के फिर सुबह खाली पेट पीना है, फिर 2 दिन छोड़ के दोबारा लेना होता है। जेंट्स को चने के दाने के बरबर शाम को सोने के टाइम ऑल्टरनेट डेज लेना होता है। ये चला जाए। और जैसे कि मान लो किसी ने लेना शुरू कर दिया है हाँ, तो उसको फील होगा कि फर्क पड़ा। आफ्टर 10 डेज के बाद वो खुद ही कॉल करेगा मुझे और भी चाहिए, तब तक निपटा देगा सारा। हाँ ये लो जी, तो हम अभी होटल पहुंच गए हैं। ये वाला है अपना रूम। ये रहे अपने बाइक्स 1, 2, 3, 4 और 5। हाल देखिए भाई बाइक का पूरा। आज पूरा मॉर्निंग में स्नोफॉल हुआ था तो पूरी देखिए गंदी हो गई है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। हम लोगों ने सोचा नहीं था शिकारा राइड करेंगे। हम लोग 4 जन गए थे। 500 रुपीज़ में शिकारा राइड पूरे 8 पॉइंट्स दिखाए। मतलब काफ़ी कुछ देखा वहाँ पे। पूरा फ्लोटिंग मार्केट देखा, लाइफ में पहली बार, कभी सुना भी नहीं था, वो हमने आज देखा। और जैसे हम लोग कार में थे, ट्रेन में थे, है ना, तो हम लोग मतलब वो एक्सप्लोर किया उस पर। और बाइक्स हमने कुछ 3 दिन हो गए चलाई नहीं है, ये खड़ी है। सो अभी हम जो नेक्स्ट व्लॉग आप देखोगे वो बाइक पे होगा कुछ, और बाकी थोड़ा बहुत बाकी एक्सप्लोर करने का, वो सब कुछ नहीं कर पाए जितना होगा, और अभी एक्सप्लोर करेंगे हम। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, गियर शिफ्टर्स इंडिया। चलिए जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।